Well, hi guys, welcome back to my channel Home Remedies Beauty. I am Sana. मैं तो आपके सामने शेयर करने वाली हूँ टमाटो एंड बेसन का फेस पैक, जो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रेमेडी है. ये रेमेडी आपके फेस को बिल्कुल क्लीन कर देता है. जितने भी आपके स्किन पे गंदगी है, डेड स्किन है, ये सब खत्म कर देगा. ये स्किन अगर आपकी ऑयली है, आपके फेस पे बहुत ऑयल आता है, नोज एरिया में या कहीं भी बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, ऑयल से है कि पिंपल्स आना तो लाजमी है, तो ऑयल को ख़त्म करने के लिए ये बेसन का फेस पैक बहुत ही इफेक्टिव रहेगा. क्योंकि ये आपके स्किन पे जितने भी ज़्यादा ऑयल है वो सबको ख़त्म कर देगा. ऑयल ख़त्म हुआ तो पिंपल्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें. मैं जो आपको जैसे जैसे ये रेमेडी बता रही हूँ आप उसे ज़रूर फॉलो करें, तो बहुत ही अच्छा ये आपके फेस को काम करेगा, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा. तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए देखते हैं रेमेडी कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटो एंड बेसन, जो दोनों बहुत ही इफेक्टिव है अपने अपने जगह पे. दोनों स्किन के लिए बहुत ही स्पेशल है. बेसन है जो गंदगी को, जितनी भी गंदगी उसको बाहर निकालता है, एंड टमाटो जो है वो जितना भी आपके फेस पे पिंपल्स है या फिर डल स्किन है उसको ग्लो करता है. आप इसे रेगुलर टमाटो का स्क्रब करें तो आपके फेस पे नेचुरली ग्लो आ जाएगा, जो बहुत ही अच्छा आपको काम करेगा. तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स हो जाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं इसका कितना अच्छा मिश्रण होगा, कितना अच्छा आपकी स्किन पर रिजल्ट आएगा, आप खुद ही देख सकते हैं. आप मेरे बात पे विश्वास ना करें, आप खुद ट्राई करके देखें कितना अच्छा रिजल्ट ये आता है. अगर आप दिन भर बाहर रहते हैं, आप धूप में ही आपका दिन बीतता है, तो आपको ये रेमेडी रात में यूज करना जरूरी है और रोज करना जरूरी है, क्योंकि धूप से आपकी स्किन बहुत ही झुलस जाती है, डल हो जाती है. तो ये रेमेडी आप यूज कीजिएगा तो आपकी स्किन पे जितने भी टैन है सबको खत्म कर देगा, या फिर पिंपल्स है, गंदगी है आपके फेस पे सबको खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा. बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, कोई भी केमिकल का नहीं है यूज करना है आपको, बिल्कुल नेचुरल है. तो फ्रेंड देखते हैं रेमेडी क्या है, कैसे यूज करते हैं. ये रेमेडी आपको रेगुलर यूज करना है तो ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी आप सबका. उससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुंच सके. एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड लाइक जरूर कर दीजिएगा. तो फ्रेंड चलिए देखते हैं क्या है रेमेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड. इस पैक को बनाने के लिए हम सबसे पहले ये बेसन ले लेंगे. 1 स्पून हमें बेसन ले लेना है. बेसन क्लींजिंग का काम करता है, स्किन को साफ कर देता है. फेस वॉश की ये काम भी, फेस वॉश का काम करता है बेसन. 1 स्पून हम बेसन ले लेंगे, स्किन को साफ कर देगा. और हमें इसमें टमाटर का जूस लेना है. आप किसी तरीके से भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे पीस के इसका रस निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डाल सकते हैं. इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. हम थोड़ा सा और लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए. हमें फ्रेश टमाटो लेना है, उसका जूस लेना है. टमाटो स्किन के जितनी भी गंदगी है सबको बाहर निकालता है और ग्लोइंग करता है, आपके स्किन को बिल्कुल साफ बना देता है. बेसन भी आपके स्किन को क्लींजिंग का काम करता है, आपके एकदम स्किन को चमका देता है. फेस वॉश का काम करता है, आपकी जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकाल देता है. तो कुछ इस तरीके से हमें पेस्ट बनाना है. आप चाहें तो इसका बीज निकाल सकते हैं, बट मैंने नहीं निकाला है. इस तरीके से इसका पेस्ट हो गया है, अब इसे स्किन पे अप्लाई करना है. तो फ्रेंड्स पैक रेडी है. ये है हमारा पैक. अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे. फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, फेस वॉश आप कर लें, कोई मेकअप कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे. ये हमारी स्किन को जितने भी मतलब रिंकल्स हैं, बुढ़ापे आ रहे हैं आपके फेस पे, ये इसको सब टाइट कर देता है. टमाटो एंड बेसन, बेसन आपके स्किन की जितनी भी गंदगी है सबको बाहर निकालता है. बेसन फेस वॉश का काम करता है, और टमाटो है वो आपके जितने भी पिंपल्स हैं या फिर डल स्किन है ये सब उसको ख़त्म कर देगा. और बेसन भी पिंपल्स को ख़त्म कर देते हैं. अगर आपके फेस पे एक्ने या पिंपल्स है तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है एक्ने के लिए भी. और ये आपके ऑयली स्किन के लिए है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आप ज़रूर यूज़ कर सकती हैं. तो अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे.
बिंदी के समय फेस पे अप्लाई करना है। हमें थोड़ा सा मोटा लेयर लगाना है। तो फ्रेंड मैंने फेस पे अप्लाई कर लिए हैं, अब इसे 20 मिनट तक छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद आप नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं। तो मैं आपके धोने के बाद मिलती हूँ। सी गाइस, मैंने फेस वॉश कर लिया है, मैंने नॉर्मल पानी से फेस धो लिया है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितना क्लियर लग रहा है। पहले मेरा स्किन कितना डल लगा था, बट मुझे अब अपना स्किन बहुत ही क्लियर लग रहा है। मैंने फर्स्ट बार यूज किया है, आप देख सकते हैं कितना मेरा स्किन बहुत ही क्लियर लग रहा है। पहले मेरा स्किन डल लग रहा था, मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा ये, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे पे आप यकीन नहीं कीजिए, फिर आप खुद ट्राई कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आप ज़्यादातर इसे नाइट में यूज़ करें, क्योंकि आप दिन भर धूप में रहते हैं या बाहर रहते हैं, गंदगी आपके फेस पर आती है, तो रात में ये क्लिंजिंग का काम करता है। बहुत ही अच्छा ये नेचुरल रेमेडी है, मुझे तो बहुत ही इफेक्टिव लगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही क्लीन लग रहा है मुझे अपना फेस। तो फिर आप इसे नाइट में यूज़ कीजिए, क्योंकि नाइट में कोई अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो ये आप नाइट में ही यूज़ कीजिए। अगर आप दिन भर नहीं भी जा रहे, घर में ही हैं, तो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर हैं तो आप इसे रात में ही यूज़ कीजिए। क्योंकि दिन भर आप बाहर गंदगी में रहते हैं तो अंदर रात में आके सारी स्किन की गंदगी आके निकल जाती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बना पाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मैं चलती हूँ, ऐसे ही अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आती रहूँगी। तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।